व्लादिमीर पुतिन ने पांचवी बार रशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। शुक्रवार से शुरू हुआ 3 दिवसीय चुनाव बेहद नियंत्रित माहौल में संपन्न हुआ और आपको बता दें कि पहले से ये तय था कि नतीजे पुतिन के पक्ष में ही आएंगे और इस जीत के साथ ही उन्होंने 6 साल का नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है, यानी कि वो 2030 तक रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रतिद्वंदियों ने चुनाव लड़ा जो क्रेमलिन के करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में तीनों ने उनके 24 साल के शासन या 2 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के फैसले की आलोचना से परहेज किया। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। बोरिस एल्तसिन ने खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन को सौंपी थी। तब से वो कोई चुनाव नहीं हारे हैं। शुक्रवार से शुरू हुआ 3 दिवसीय चुनाव बेहद नियंत्रित माहौल में संपन्न हुआ और जैसा कि पहले से तय था, नतीजे पुतिन के पक्ष में ही आए। इस जीत के साथ उन्होंने 6 साल का नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है, यानी वो 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके साथ ही वो सबसे लंबे समय तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने के मामले में जोसेफ स्टालिन से आगे निकल गए हैं। पुतिन ने पिछले 200 सालों में रूस के सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर INDIA और NDA दोनों में घमासान मचा हुआ है। दोनों गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं कर पाए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन अभी तक NDA और विपक्षी गठबंधन अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। दोनों गठबंधन के लिए अपने सहयोगियों को मना पाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। NDA के सीट बंटवारे को फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना में शाम 4 बजे नई कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और सीट बंटवारे को लेकर BJP अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक करेंगे। NDA में सीट बंटवारे पर जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक BJP 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि JDU 16, चिराग पासवान की पार्टी LJP R4, पशुपति पारस की RLJP को 1 सीटें दी जाएंगी, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट की पेशकश की गई है। लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीट देने के फैसले पर पशुपति पारस नाराजगी जता चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश और JP नड्डा के बीच होने वाली बैठक में इन सभी मुद्दों का हल निकल सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस और RJD के बीच सीट पर सहमति बनेगी तो छपरा की लड़ाई भी दिलचस्प होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 7 चरणों में मतदान होगा, लेकिन महागठबंधन में सीटों का फाइनल बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि एक खाका जरूर बन गया है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस और RJD के नेता शामिल होंगे। बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर होगी। ऐसा माना जा रहा है कि RJD 28, कांग्रेस 9, CPI ML 2 और CPI को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। इधर छपरा लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। यहां BJP नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। RJD नेता सुनील सिंह ने रोहिणी की तस्वीर पोस्ट करके इसके संकेत दिए। तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की एंट्री होने जा रही है। रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव से बिहार की राजनीति में दखल देने वाली है और वो छपरा सीट से BJP के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी रोहिणी आचार्य जनविश्वास महारैली के दौरान मंच पर नजर आई थी। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य की जमकर इस दौरान मंच पर तारीफ भी की थी। लालू प्रसाद ने रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उन्हें जीवन दान देने की भी बात कही थी। दरअसल रोहिणी ने ही लालू प्रसाद को अपनी किडनी दी है और इसके बाद ही लालू प्रसाद के करीबी सुनील सिंह ने रोहिणी आचार्य के साथ फोटो पोस्ट की थी। आपको ये भी बता दें कि रोहिणी को छपरा लोकसभा से RJD प्रत्याशी बनाने की मांग कर रही है। वहीं देखिए, तारीखों के ऐलान के साथ साथ अब चुनावी अभियान और तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा है।
अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कैबिनेट को खास संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को नई सरकार के पहले 100 दिन की कार्य योजना बनाने को कहा, साथ ही अगले 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि यही सरकार फिर से सत्ता में आ रही है, इसलिए विकास के काम लगातार जारी रहने चाहिए। सरकार की प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर केंद्रित ये दस्तावेज कैबिनेट सचिवालय को सौंपे जाने हैं। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा, जिसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी और कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। बीजेपी उम्मीदवारों का चयन भी ठोक बजाकर कर रही है। अब तक दो सूची में 272 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की 22 बची सीटों पर उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में बीजेपी नेता मंथन करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यहां ममता बनर्जी सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं, तो वहीं लेफ्ट फ्रंट ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यानी ममता के बाद अब लेफ्ट भी इंडिया ब्लॉक के बिना चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बंगाल पहुंची तब भी ममता उसमें शामिल नहीं हुई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में एक साथ नहीं होगा INDIA गठबंधन। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, उम्मीदवारों का ऐलान फेज वाइज घोषित किया जाएगा। तो महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है और 20 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले ही महागठबंधन में बवाल देखने को मिला और जिस तरह से आप देखिए CPI ML ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया, 8 सीटों को लेकर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग का जो प्लान है उस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और एक साथ नहीं होगा उम्मीदवारों का ऐलान। साथ ही साथ फेज वाइज कहा जा रहा है कि घोषित किए जाएंगे नाम और ये देखना होगा कि किसको टिकट मिलती है और किसको नहीं, क्योंकि पेच वहीं फंसा हुआ है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा के चुनाव इस बार 7 फेसेस में कराए जा रहे हैं और उसी के अनुसार ही बिहार में जो उम्मीदवारों का ऐलान है इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर चुकी है। पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें यूपी के 51 उम्मीदवार शामिल हैं, जिसमें 5 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। बाकी 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी बाकी है, जिस पर बीजेपी आज दिल्ली में मंथन करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, सुल्तानपुर, गोंडा, बदायूं, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, कैसरगंज, गाजीपुर, कानपुर, मछलीशहर, बलिया, बहराइच, भदोही, देवरिया, मैनपुरी और फुलपुर शामिल हैं। इसके अलावा 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद एक बार फिर ईवीएम पर सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल, मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में विपक्ष ने ईवीएम पर जमकर सवाल खड़े किए। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बिना पीएम मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। पीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को
ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। ये मशीन जो है ये चोर है, मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा, जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। वोटिंग शुरू नहीं हुई, ईवीएम पर हमले शुरू। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ विपक्ष ईवीएम का राग अलाप रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जब हिमाचल जीता तो कोई सवाल नहीं, लेकिन तेलंगाना जीता तो भी कोई सवाल नहीं। चुनाव आयोग भी ईवीएम पर कई बार विपक्ष को न्योता दे चुका है। जरा सुनिए ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने कैसे जवाब दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100% सेफ। और आई इंडिया ये गठबंधन में चुनावी तैयारी की रूपरेखा तैयार हो गई है। आपको बता दें कांग्रेस एसपी वॉर रूम में दो दो नेताओं की ड्यूटी होगी, दोनों पार्टियों में तालमेल के लिए सहमति बन गई है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्य स्तर पर पांच पांच नेताओं की टीम बनाने की योजना भी बनाई गई है। तो इंडिया गठबंधन में चुनाव का जो प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार यहां पर कर लिया गया है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कांग्रेस और एसपी वॉर रूम में दो दो नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी और दोनों ही पार्टियों में तालमेल के लिए सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। राज्य स्तर पर पांच पांच नेताओं की टीम बनाने की भी योजना है। बिग बॉस ओटीटी जीतकर रातों रात स्टार बने अल्पेश यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रेव पार्टी में सांपों का जहर परोसने के मामले में अल्पेश यादव को जेल हुई है। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर अल्पेश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में एक यूट्यूबर के साथ मारपीट के बाद अल्पेश पर गुरुग्राम पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया तो उन्होंने भाईचारा बढ़ाकर मामले को सेटल करने का जुगाड़ भिड़ा दिया, लेकिन वो मामला शांत होता उससे पहले ही अल्पेश यादव दूसरे मामले में जेल पहुंच गए। करीब 5 महीने पुराने एक केस में नोएडा पुलिस ने अल्पेश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने अल्पेश को अरेस्ट किया, जिसके बाद सूरजपुर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी लगा दी हैं। बीते कई महीनों से जारी जांच में पुलिस को अल्पेश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। वहीं एनडीपीएस एक्ट लगने से माना जा रहा है कि अल्पेश यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। साथ ही पुलिस इस मामले में जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। Z News.